Hi, I'm Dr. Bhupen Singh, Consultant Cardiologist, Manipal Hospitals, Ghaziabad. Today I will talk about an important cardiac condition called heart failure. So heart failure is a chronic progressive condition in which heart muscle is unable to pump enough blood to meet body's requirement for blood and oxygen. It could be because of left heart, right heart, or both, and most of the time it is because of left heart involvement. हार्ट फेलियर के कारण क्या होते हैं? हार्ट फेलियर के मुख्य कारण होते हैं कॉर्नियर आर्टरी डिजीज़ और हार्ट अटैक, जिसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, हार्ट मसल्स डैमेज होती हैं, फॉल्टी वाल्व या वाल्वोलोपैथी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट रेट का बढ़ जाना या रिदम का इरेगुलर होना, जिसको हम एरिथमिया कहते हैं, ये मुख्य कारण होते हैं हार्ट फेलियर के। हार्ट फेलियर कंडीशन होने के बावजूद भी कुछ लोगों को इसके लक्षण डेवलप नहीं होते हैं अनटिल अनलेस कोई प्रेसिपिटेटिंग इवेंट उसमें ना हो जाए। सो व्हाट आर द प्रेसिपिटेंट्स ऑफ हार्ट फेलियर? प्रेसिपिटेंट्स आर एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, यूज़ ऑफ टोबैको, एनीमिया, हार्ट रेट का बढ़ जाना या कोई एरिथमिक कंडीशन डेवलप होना, ये हार्ट इन्फेक्शन का होना लाइक लंग इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हार्ट फेलियर को प्रेसिपिटेट कराते हैं। हार्ट फेलियर से बचाव के लिए क्या करें? हार्ट फेलियर से बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज, दूसरा कीप योर ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल, अगर अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो वो बिल्कुल बंद करनी होगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ हार्ट फेलियर मैनेजमेंट। हाउ टू डायग्नोज हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस, हार्ट फेलियर को डायग्नोज करने के लिए हमें तीन टेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमें इनिशियली वो करके देखने होते हैं लाइक ECG, एक्सरे एंड इकोकार्डियोग्राफी। हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस कन्फर्म होने के बाद हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट शुरू होता है मेडिसिन के द्वारा। आज के समय में हार्ट फेलियर की बहुत एडवांस और अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिसके द्वारा हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट आसान हो गया है और इफ़ेक्टिवली उसको मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू।